हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ, एनटीपीसी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, जो कि रिक्रूटमेंट संख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1/2018 है। इसकी आवेदन कब से शुरू है और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। और चलिए, देखने से पहले एक चीज़, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं इसकी क्या नोटिफिकेशन है। यहाँ देखिए, नोटिफिकेशन यहाँ आया हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड का। ये देखिए, रिक्रूटमेंट संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 1/2018। और इसके बाद यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है, एनटीपीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, इसकी डिटेल में बताया गया है यहाँ पर। और इसमें देखिए, मैकेनिकल के लिए 28 सीट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, और सी एंड आई कंप्यूटर एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए 10 सीट है, और सिविल के लिए 2 सीट है। और आईटीआई के लिए यहाँ आईटीआई ट्रेनी, लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री ट्रेनी और असिस्टेंट मटेरियल्स स्टोर कीपर ट्रेनी के लिए आईटीआई फिटर में 22 सीट है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में 12 सीट है, आईटीआई इंस्ट्रूमेंट में मैकेनिक और 8, ये तो सीट हो गई। और इसमें देख लीजिए कि आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग के बाद 2 साल के लिए ज्वाइन किए जाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है इसमें। और जिसकी सैलरी 15,500 है, और इसी के हिसाब से देख लीजिए आईटीआई का भी नीचे दिया हुआ है यहाँ पर कि 11,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। और एज लिमिट क्या है, 25 साल होने चाहिए कम से कम, मतलब अधिकतम 25 साल एज होने चाहिए और मिनिमम 18 साल एज होने चाहिए। और इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाली, तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होने चाहिए, डिप्लोमा में 70% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, जितने भी हैं सिविल में है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या सीएनआई में कोई भी है, कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब आपका कम से कम 70% होना चाहिए इसमें। और इसके बाद देखिए जो आईटीआई के लिए बातें हैं, आईटीआई में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 10th पास होना चाहिए और फुल टाइम रेगुलर आईटीआई कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीबीटी होना चाहिए, और इसी तरह से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे इसमें तो स्टेज 1 देखिए होगा, तो स्टेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग जनरल इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग विल बी कंडक्टेड, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स इच क्वेश्चंस करियर। यहाँ पर देखिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, और 40% मार्क्स लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, और ST SC OBC और PW कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। उसी तरह स्टेज 1 में स्टेज 2 जो है ऑनलाइन टेस्ट का, तो इसमें भी उसी तरह से सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके बाद देखिए टेस्ट सेंटर के बारे में, टेस्ट सेंटर आपका भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला, ब्रह्मपुर, बालासोर, ये सब आपके सेंटर हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पर देखिए सब डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसके आगे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिड दिसंबर 2018 दिसंबर में, मतलब कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो सकता है, और सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2019 में होगा। और इसके बाद देखते हैं, और कोई बात होती है तो बताता हूँ मैं आपको। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही मेन चीज़ है। और एक हाँ, एग्रीमेंट बॉन्ड है ये, यहाँ पर ये देख लीजिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 1,00,000 रुपये की बॉन्ड होगी, और इसके साथ ही कंपनी के मिनिमम 3 साल के लिए आफ्टर कम्प्लीटेशन ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर आईटीआई लैब। तो इस तरह से आपका 50,000 तक का आईटीआई वालों के लिए एग्रीमेंट कराया जाएगा। तो ये चीज
इम्पोर्टेंट बात है जो कि फॉर्म भरते समय आप लोगों को ध्यान देने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातें आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।